गाइस एंड टुडे वी आर बैक हम ये अनबॉक्सिंग वीडियो विद माय रेड गियर A17 माउस। ये आप देख सकते हैं पूरी पैकेजिंग और ज़रा सा ऊपर, और ये रेड गियर माउस कुशाग्रों को बहुत दिनों से चाहिए था और जो आ गया है। इसकी खुशी अगर आप इधर आकर देखोगे ना तो कुछ ऐसी लगेगी, बहुत कुछ है ये। और पीछे दिया भी गया है, ये देखो कैसा दिख रहा है ये पीछे से। अभी तो असली देखते हैं, पत्थर वत्थर ना बद दिया गया हो। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। और ये हम लोग यहाँ पे कट और यहाँ से होने रहा है, यहाँ दिखा, ये देखो आप देख सकते हैं। The main, oh my god, देखो looking आगे। पहले हम लोग आपको बाद में दिखेंगे, पहले हम आपको डिब्बे का डिटेल देंगे। तो ये है एक प्लेन पतले कार्डबोर्ड का पेपर से चिपका हुआ डिब्बा, और ये है माउस होल्डर का डिब्बा, ये भी वही प्लेन कार्डबोर्ड का है। और यहाँ और ये कार्डबोर्ड हम यूज करेंगे। ये है और ये होल्डर है माउस का। और अब मेन चीज पे आते हैं, सबको फेंको 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 फेंको। वो देखो जीना हराम कर रखा है उन लोग को। ये इसमें RGB लाइट्स भी हैं, DPI भी है इसमें टोटल। और पहले मैं आपको इसका स्पेक्स बता दूँ, तो गाइस मैं आपको इसके स्पेक्स बता देता हूँ। एंड गाइस इसमें 800 DPI to 64,000 DPI तक है इसकी RGB लाइट्स। और यहाँ पे फायर, यहाँ पे एस, ये दोनों लेफ्ट और गाइस ये एक सेकंड ड्रैक लुक एकदम मस्त। एंड गाइस ये ट्रिगर इंसान भी अभी चला नहीं, ट्रिगर इंसान लॉजिटिक का चलता है। और ये अबे और ये एक नॉर्मल ब्रेडेड, तो गाइस ये है एक नॉर्मल सी ब्रेडेड केबल। ये माउस का वेट मुझे ज़्यादा तो नहीं लग रहा, मतलब एक एक एवरेज माउस जैसा ही वेट है इसका। और अभी ये खुशी क्या कर रही है, ये खुशी क्या कर रही है, और मैं इसको ड्रैग क्लिक करना नहीं आता है। चलो अरे और गाइस मैं ASMR सुनाना है, ASMR। अरे ये बड़े AS और गाइस मैं इधर ना जैसे नॉर्मल जो माउस चलाती हूँ ना, मुझे नॉर्मल माउस में चलाना नहीं आता अच्छे से। ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक नॉर्मल सी ब्रेडेड केबल। नहीं आप मतलब 600 रुपीज़ में क्या ही केबल एक्सपेक्ट करोगे, फिर भी मुझे ये ज़्यादा बेकार क्वालिटी की नहीं लगी। यहाँ पे RGB लाइट्स आप देख सकते हैं, एक इस रो में और एक नीचे है। यहाँ पे फायर बटन और ये एस वाला बटन, और ये है अरे इधर दिखाओ, और ये है स्क्रोल व्हील, ये भी बहुत अच्छा चलता है। अरे ज़रा ऊपर करो स्क्रोल व्हील और बटरफ्लाई क्लिक है, बटरफ्लाई क्लिक है। यहाँ पे DPI का भी है, आप DPI कम ड्रैग क्लिक करके दिखाओ। और ये है ब्राइटनेस माउस की, और बस। और ये हम लोग आपको इसको लगा के भी दिखाएंगे, बाय गाइस, मैं अभी लगा के भी दिखाएंगे ना। गाइस अभी हम लोगों ने इसको यहाँ पे खोल दिया है, और मैं अभी से जल्दी से अपना लैपटॉप ला के दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे आपको पता है मेरी बहन ने धोखा दे दिया कैमरा पकड़ने से, अब मुझे करना पड़ रहा है। ये है माउस का, हमने कुछ धोखा नहीं दिया है गाइस, ये खुद मतलब पकड़ बना और हमको झूलो। और भाई साहब आप देख सकते हैं, रुकिए मैं इसका वायर खोल के दिखा दूँ आपको ऐसे में। पर इसका सेंसर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बस एक नॉर्मल ऑप्टिकल माउस सेंसर है। और कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, जल्दी से ही इसकी इसका ये DPI और ये सब करके आपको दिखा देते हैं। और आपको मैं इसका ऐप भी यहीं पे दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप इसका। और
गियर A20 ये कहाँ। हाँ तो गाइस ये मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब मम्मा गुस्सा कर रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा, जबकि मेरा एग्ज़ाम बस एक ही दो दिन पहले ख़त्म हुआ। और भाई एकदम प्रो सब हो गया। चलो इसकी लाइट में DPI दिखा देते हैं, ब्रीदिंग स्पीड। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये अभी तो नॉर्म, अरे फोकस, हाँ फोकस। ये स्टडी मोड है, मतलब ये बस एक ही कलर में रहेगा और धीमे धीमे चेंज होगा। ये मल्टी कलर है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करके दे दिया, हाँ ये रहा अप्लाई कर दिया। मल्टी कलर मतलब ऐसा रहेगा। और रेम्बो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा, रेम्बो सबसे अच्छा है इसमें। ये देखिए मेरे ओपिनियन में ये एकदम बेस्ट। हर कलर धीमे धीमे आता है। एक फ्लू लाइट, ये मुझे सबसे बेकार लगा, सबसे बेकार ये लगा मुझे। ये क्या है ये, मतलब क्या है ये, चलता है बंद हो जाता है फ्लू लाइट, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है फ्लू लाइट। वॉल्ट ब्रीथिंग बस मुझे सबसे अच्छा लगा तो वो रेम्बो है। रेम्बो के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और अब मेरा लैपटॉप हैंग होने लगा। अच्छा नहीं 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 हाँ ओ अरे यार वेट हो गया, उनको लैपटॉप ही हैंग कर रहा। अच्छा वीडियो उल्टी है जरा से क्या, वो तो हैंग होने लगा। क्लोज प्रोग्राम, हाँ ये रहा फ्लू लाइट। क्या है फ्लू लाइट, क्या है ये, क्या है भाई, क्या है ये। मैं फिर से खोल के दिखाता हूँ आपको। ओपन, ये रहा ना लाइट। हाँ फ्लू लाइट से अच्छा मैं रेनबो ही करूँगा, वो सबसे बेस्ट है पूरे माउस में, सबसे बेस्ट है। ये देखा फुल, ये मोड एडवांस्ड, मूविंग स्पीड सब एकदम प्रो है। इसमें मूविंग स्पीड मुझे कुछ ज़्यादा ही लगी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मूविंग स्पीड है। तो मैं इसको अपने हिसाब से तो 8 पे रखूँगा। हाँ 8 इज़ द बेस्ट फॉर मी। डबल क्लिक स्पीड मैं पूरा 11 पे रखूँगा। DPI मैं पूरा इस पे रखूँगा, सबसे टफ DPI चाहिए, एकदम ब्रो एकदम बेस्ट DPI भाई। सबको मैं अप्लाई कर दूँगा। तो अपना हो गया है पूरा। और यहाँ पे मार्को जाएंगे और यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक भी करेंगे। न्यू मार्को डबल क्लिक। देखिए मैं टाइप नहीं हो रहा क्या, उतरा है डबल क्लिक। इसकी ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही है। ओ हाँ आपको दिख गया होगा डबल क्लिक। और ओके पे कर देते हैं और रिकॉर्ड ऑन करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, मार्को मेरा सेव हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये माउस अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको इस माउस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अमेज़ॉन। और ओ भाई 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 मैंने कुछ ज़्यादा डबल क्लिक कर दिया। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अमेज़ॉन का दूँगा, आप फ्लिपकार्ट में भी सर्च कर सकते हैं। और मैंने बताना तो भूलिएगा कि मैंने रेड गियर A17 लिया था, A20 मुझे उतना ख़ास नहीं लगा। तो बाय।